आज बीजेपी मिसिबे हार्दिक पटेल आगको गुजरात विधानसभा निर्वाचन आसुवा बेले पटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में जोग देवा चाहते तेज बीजेपी में जोग देवा पूर्व हार्दिक पटेल एक ट्वीट करेंथे से राष्ट्रहित समाज हित एक नुआ आरंभ करने को जाता कथा उल्लेख कर प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में राष्ट्र सेवे से जड़े सैनिक हो कम करेंगे निज ट्विटर उल्लेख कर तो आपण देखुंट ट्विट जोगे वर्तमान जो कथा कहुच्छे जे आज बीजेपी में मिसिबे हार्दिक पटेल और ट्विट जोगे सूचना देखते आगक गुजरात विधानसभा निर्वाचन आसुवा बेले पटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में जोग देवाक जाते तेज यह पूर्व से गोटे ट्विट कर ट्विट मध्यम से लिखिंट से राष्ट्रहित समाज हित एक नुआ आरंभ करने को जाता कथा उल्लेख कर प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में राष्ट्र सेवे से जड़े सैनिक हो कम करे निज ट्विटर उल्लेख कर इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि राम सेतु के इस कार्य में या जनहित के इस कार्य में या राष्ट्रहित के इस कार्य में जितनी भी मेरी जिम्मेवारी होगी, मेरी जितनी जिम्मेवारी तय की जाएगी, उस हिसाब से माँ भारती की सेवा में, सरदार और गांधी के इस गुजरात की सेवा में और जिन समाज ने हमें इतना बड़ा बनाया है उनकी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का जब दोपहर 12 बजे के बाद हिस्सा बनेंगे वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गाँव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए।